बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के पुराने धामपुर के कुंडीपुरा रोड पर शराब की दुकान को बंद कराने गई महिलाओं ने पहले तो दुकान के सामने जमकर हंगामा किया। बाद में शराब दुकान के सेल्समैन इन महिलाओं को समझाने के लिए पास आए तो सैकड़ों महिलाओं ने सेल्समैन पर हमला बोल दिया। महिलाओं ने हाथों में डंडे लेकर इन सेल्समैनों को सड़क से लेकर खेत तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बहरहाल पुलिस प्रशासन भले ही इस तरह से शराब की दुकानों का विरोध करने वाली महिलाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन शराब की दुकान को लेकर महिलाओं का गुस्सा अब भी सातवें आसमान पर दिख रहा है। मेरा नाम मिथिलेश है, मैं पुराने धामपुर से हूँ। क्या मामला है ये जो भीड़ एकत्रित हुए, किस मामले को लेकर? सर ये मामला है कि यहाँ पर हट्टी खुले जा रही है हमारे। पहले तो सबसे पहले हरिजन पक्ष है और हरिजनों में ज्यादातर ये बस्ती मतलब ये खुली मतलब हट्टियाँ खोली जा रही है। एक तो पहले ही ऐसे क्षेत्र रहते हैं यहाँ पर लोग, और अब फिर छोटे छोटे बच्चे सीख जाके हमारे हस्बैंड खुद पीते हैं, सुबह 5 बजे से चले जाते हैं शराब पीने। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर पुराने आसपास के इलाके में कोई हट्टी ना खुले। अगर जात्रा में खुली हुई है हमें उस पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ पर जाने में टाइम लगता है। कम से कम जो 10 पौवे पीते हैं वो 1 पौवा ही पियेंगे, जिससे हमें बहुत संतुष्टि मिलेगी। लेकिन हम आसपास के इलाके में खुलवाना नहीं चाहते। अब आप लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं खुली जाए हट्टी, यहाँ पर बिल्कुल खोलने का मकसद नहीं है। और जिसकी जमीन है वो भी कह रहे हैं कि हम खुलवाएंगे, उसका क्यों उन्होंने पैसा ले रखा है। हम कर रहे थे हमारा दारू पीते हैं, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं सारा दिन, सारा दिन की कमाई लुटाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मारते हैं? यहाँ क्या मामला? यहाँ क्या मामला? हट्टी पर रही है, हट्टी खुला नहीं देने के।